गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों कल हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैप्टर 4 से टिक द करेक्ट ऑप्शन को बनाया था। ठीक है, आज हम लोग क्या बनाएंगे? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यह कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसी का यूज करना है हमें यहाँ भरने के लिए। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। वन में क्या लिखा है? सेलेक्ट द ड्रॉइंग और एनी पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग यूजिंग डैश टूल। हम लोग अपने ड्रॉइंग को जो सेलेक्ट करते हैं, या पूरे ड्रॉइंग को या फिर ड्रॉइंग के कुछ भाग को अगर सेलेक्ट करेंगे तो किस टूल से सेलेक्ट करेंगे? तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर हो जाएगा सेलेक्ट टूल। ठीक है, नंबर टू, डैश ऑप्शन इज इन इमेज ग्रुप। दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो इमेज ग्रुप में रहता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन जो है वो इमेज ग्रुप में रहता है। नंबर थ्री, द पेस्ट कमांड विल ऑलवेज इंसर्ट द ड्रॉइंग एट द डैश कॉर्नर। पेस्ट कमांड जो है वो कहाँ रहता है? हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, कंप्यूटर का जो स्क्रीन रहता है उसके लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर भाग में पेस्ट कमांड हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टॉप लेफ्ट। नंबर फोर, डैश सेलेक्शन इज यूज टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन इरेगुलर फॉर्म। कौन से सेलेक्शन टूल से हम लोग अपने ड्रॉइंग को इरेगुलर फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म सेलेक्शन टूल से हम अपने ड्राइंग को, जितना ही भाग हमें ड्राइंग को सेलेक्ट करना है और जिस तरह से हमें सेलेक्ट करना है, वो इरेगुलर फॉर्म से हम लोग फ्री फॉर्म सेलेक्शन टूल से कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग ट्रू फॉल्स भी समझ लेते हैं। जैसे वन में है, वंस द ड्राइंग इज मेड वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन इट। अगर हम लोग कोई ड्राइंग बना लिए तो उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा गलत, फॉल्स, चेंज कर सकते हैं। द फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन टर्न्स द पिक्चर अपसाइड डाउन। फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन से हम लोग टर्न्स द पिक्चर को अपसाइड में या डाउन में चेंज कर सकते हैं, ट्रू। ए कट इमेज कैन नॉट बी पेस्टेड। कट किए गए इमेज को पेस्ट नहीं कर सकते हैं क्या? आंसर हो जाएगा फॉल्स, कर सकते हैं। एंड नंबर फाइव, द ब्रश टूल इज यूज टू फिल कलर इन ड्रॉइंग। ब्रश टूल का हम लोग यूज कलर को फिल करने के लिए करते हैं, फॉल्स।